दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग है। आज मैं आपसे कोई पेट्रोल कार, कोई डीजल कार या फिर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात नहीं करने वाला। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक भविष्य की ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका सपना हमारे देश भारत में सच होने की जल्द ही उम्मीद है। ये कार कई देशों में ऑलरेडी आती है और अब इस ऑटोमेकर ने इसे भारत में लाने का प्लान किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कार से एमिशन के रूप में सिर्फ पानी ही बाहर निकलेगा, यानी एक गाड़ी एमिशन फ्री कार होगी। एक चार्ज में ये कार चलेगी 1000 किलोमीटर तक और इसे रिफ्यूल होने में लगेंगे सिर्फ 5 मिनट। जादू जैसा लग रहा है सब आपको? भाई जादू ही तो है ह्यूंडई की अपकमिंग एसयूवी नेक्सो, जो अभी कोरिया और दूसरे देशों में ऑलरेडी बेची जा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो अक्टूबर 2019 तक ह्यूंडई को कोरिया में नेक्सो के 5500 से ज्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं। ह्यूंडई की ये एसयूवी नेक्सो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मैं ये आपको बता दूं, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे शॉर्ट में FCEV भी बोलते हैं, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। कई बड़े कार मेकर्स FCEV के कंसेप्ट मॉडल्स कई बार दिखा चुके हैं और ह्यूंडई के अलावा होंडा, मर्सिडीज बेंच, टोयोटा और यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कार मैन्युफैक्चरर रिवर सिंपल इसके प्रोडक्शन मॉडल्स भी निकाल चुके हैं। जहां हमारे देश का विजन 2030 तक भारत को फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्री बनाने का है, ह्यूंडई ऑलरेडी और आगे जाने की सोच रहा है। उसका 2030 का टारगेट लगभग 800,000 FCEV बेचने का है और 2040 तक ह्यूंडई 3,000,000 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचना चाहती है। ह्यूंडई ने साल 2018 से 2022 तक हाइड्रोजन कार्स बेचने के लिए और रिफ्यूलिंग स्टेशंस बनाने के लिए लगभग 1.8 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 12,736 करोड़ रुपए का बजट रखा है। भारत में इसे लॉन्च करने के लिए ह्यूंडई ने अपने प्लान के मुताबिक फिजिबिलिटी स्टडी शुरू भी कर दी है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार रिफ्यूलिंग करने पर यह कार अभी 600 से 800 किलोमीटर चलती है, जबकि जो कार भारत में लॉन्च होगी उसकी एक्सपेक्टेड रेंज है एक बार रिफ्यूल करने पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा। इस कार में 3 फ्यूल टैंक्स हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 156.6 लीटर की। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कोरियाई नेक्सो की इलेक्ट्रिक मोटर का आउटपुट है 161 BHP और यह देती है 395 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अभी तक हमने जितनी भी ईवी देखी उनकी चार्जिंग रेंज डिफाइन की गई थी 0 से 80% तक 30 मिनट से लेकर कई घंटे तक। तो इसका मतलब अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल को ईवी से कंपेयर करें तो यहाँ FCEV को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट्स में ही रिफ्यूल हो जाती है। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज को हमारे देश की सड़कों पर दौड़ता हुआ देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है आप भी काफ़ी उत्सुक होंगे इस कार की भारत में लॉन्च डिटेल्स जानने के लिए। तो बिल्कुल वही है हमारे अगले वीडियो का टॉपिक, जिसे देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को दबाना है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।